आइए बाबू आ जाओ। प्रतिरोध का संयोजन समांतर क्रम में, आप सभी लोग जानते होंगे समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ना एक प्रतिरोध के ऊपर दूसरा प्रतिरोध लगाते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर चौथा लगाते हैं, माने ऊपर ऊपर लगाते चलते हैं। याद कर लो, एक प्रतिरोध नीचे है, इसके ऊपर एक प्रतिरोध, फिर इसके ऊपर एक प्रतिरोध, फिर इसके ऊपर एक प्रतिरोध, इसी को समांतर क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो सबका प्रतिरोध अलग अलग होगा, सबका धारा अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर समान होगा। अच्छा देखो कैसे, ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड में इस तार से समान धारा आ रही है और समान जितने भी स्विच देख रहे हैं सब में समान धारा जा रही है और सबके पास भी समान धारा जा रहा है। तो जब भी आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध अलग होगा, विभवांतर समान होंगे, धारा सब में अलग अलग होंगे, माने इसमें विभवांतर समान होता है समांतर क्रम में, सब में धारा अलग अलग जाता है। अभी आपने जस्ट देखा श्रेणी क्रम में धारा समान था लेकिन इसमें विभवांतर समान रहेगा। पहले चित्र बनाते हैं इसको, आइए देखिए आपके पास एक ये प्रतिरोध है, फिर एक ये प्रतिरोध है, फिर एक ये प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध आपको नज़र आ रहा है और ये बैटरी से आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। बैटरी सामने इसको जोड़ दिया सर, ये बैटरी है और ये कौन जी आपका है, देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा आप सबको मालूम है और मैंने आपको बताया भी था कि जब धारा कई भागों में बट जाता है, देखो धारा यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ बटेगा, कुछ यहाँ, देखो धारा यहाँ से तो आ ही जाएगा धारा, लेकिन यहाँ बट जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, सबका अलग अलग धारा, धारा सब में अलग अलग है। इसका प्रतिरोध R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा, लेकिन विभवांतर जो होगा सेम होगा भी। बात समझ में आई, समझ जाना चाहिए आपको, एकदम बात याद रखेंगे। जब प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है, सब में धाराओं का मान भी अलग अलग होता है, लेकिन जब विभवांतर होता है एक समान होता है, आप याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या इसी को पसर क्रम भी कहते हैं बाबू, जोड़ते हैं तो प्रतिरोध तथा धारा अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर समान होता है। ज़रूर आपसे याद रखेंगे, अगर जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा समांतर क्रम में, तो धारा सबका अलग अलग निकाल कर आपको दिखाना पड़ेगा, प्रतिरोध अलग अलग रहेगा ही लेकिन विभवांतर सबका सेम। अगर 10 वोल्ट का प्रथम में विभवांतर है तो 10 वोल्ट का इसका भी होगा, 10 वोल्ट का इसका भी, धाराएं सबकी अलग अलग होंगी, धाराएं सब में अलग अलग, एक वोल्ट एक विभवांतर होगा लेकिन सब में धाराओं का मान जब निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे। अब आइए ओम के नियम से सबको याद होगा, जब भी बात करने हैं ओम के नियम के तो आप याद रखिएगा, आर बराबर होता है भी अपान आई, आर बराबर भी अपान आई, लेकिन यहाँ पर आई जब अलग है तो आई बराबर भी अपान आर आ जाएगा, आई बराबर भी अपान कहा जाएगा आर। अब आप यहाँ पर कुल धारा का जब इस्तेमाल करेंगे, कुल धारा तो आई बराबर आने वाला है I1 प्लस I2 प्लस I3, कुल धारा जो होगा तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा, जहाँ आई होगा आप उसके जब भी बटार समझ लेना, अपने आप से लिख लेना, जहाँ आई होगा तहाँ भी बटार, जहाँ I1 होगा वहाँ पर भी बटा R1 लिखेंगे, I2 की जगह भी बटा R2, I3 की जगह भी अपान R3,
भी अपन आर ऊपर से भी कॉमन लेंगे, वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। अच्छा देखो, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, वन अपन आर, अब वन अपन आर प्लस आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। चलिए, ये समांतर क्रम में भी आपने इसको जोड़ा, इस तरीके से आपका ये ज़रूर आप याद रखेंगे कि जब भी आप सिद्ध करने होंगे तो आर बाबा भी बटा ही लेंगे। और लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें धारा अलग अलग है, तो सूत्र आई बराबर बनेगा, तो आई बराबर भी बटा आर, कुल धारा जब लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। फिर आप आई की जगह पर भी बटा आर रखेंगे, भी बटा आर वन, भी बटा आर टू, भी बटा आर थ्री, आई वन आई टू आर थ्री की जगह पर रखेंगे। सब में भी उपस्थित है, भी कामा ले लेंगे, तो एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, और भी से भी कैंसिल, तो एक बटा आर बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री। इस तरीके से आप समांतर क्रम में जोड़ करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को समांतर, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए।